छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में ब्रिटिश सरकार को घेरने बीजेपी ने कमर कस ली है। दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या, किसानों की कर्ज माफी, बुनकरों की समस्या समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से बातचीत की हमारे स्वरा संवाददाता आशीष तिवारी ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। चर्चा है कि सत्र में बीजेपी बेहद आक्रामक रुख अख्तियार सदन के भीतर करती नजर आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सत्र में किस तरीके का रुख होगा बीजेपी का? सत्र में मुख्य रूप से वर्षाकालीन सत्र है और बजट सत्र के बाद भी, काफी समय के बाद भी ये सत्र है। बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है और इन सारे विषयों को विधानसभा के पटल पर लाना, हाउस में रखना, खास करके आप देखे हैं कि जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियां जो बढ़ रही है, हत्याएं जो हो रही है, उसको लेकर के एक भय का वातावरण जो पूरे प्रदेश में व्याप्त है, पूरे बस्तर एरिया में कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग चौपट हो गई है। अब आज तो बाहर तो जो दिन दहाड़े लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, फिरौती मांग रहे हैं, उसके साथ ही साथ लॉकअप में भी आजकल हत्याएं होनी शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं कि इस समय किसान बड़ा परेशान है, बिजली को लेकर के खास करके। अभी पानी कम है, उनको रोपा लगाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, बिजली जब भी कभी भी गोल हो जाती है, और जिस प्रकार से अवैध अघोषित कटौती जो हो रही है, खाद बीज का मामला से लेकर के किसान क्रेडिट कार्ड तक, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। जहां विकास की बात करेंगे तो लगभग पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। जनप्रतिनिधि अलग नाराज हैं, किसान अलग नाराज हैं, और अब तो जिनको उन्होंने वायदा किया, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के प्रेरक से लेकर के अनियमित कर्मचारी से लेकर के, वो लोग भी अल्टीमेटम देने लगे हैं, धरना में बैठने लगे हैं। तो ऐसे प्रदेश के बहुत सारे जो जनहित के जो मुद्दे हैं, और हम लोग का प्रयास होगा ऐसे सारे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें, उसका समाधान हाउस में हो, इसके लिए हमारा पूरा पुरजोर प्रयास होगा। और जो भी मुद्दे आए हैं, सारे मुद्दे को हम लोग प्रबलता के साथ रखेंगे। अजीत जोगी जेसीसी सुप्रीमो हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने की तैयारी शुरू कर दी है और आप लोगों से भी समर्थन मांगा है, बीजेपी से समर्थन मांगा है। बीजेपी का क्या रुख होगा? क्या इस बार 6 महीने के कार्यकाल के बाद बीजेपी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? मैंने शुरू दिन ही कहा जब बातचीत हुई तो, कि जब हमारे विधायक दल की बैठक होगी, जैसी राय होगी उसके अनुसार से आगे बढ़ेंगे। अनुपूरक बजट भी सरकार लेकर आ रही है, उस विषय में बातचीत करेंगे, अभी समय है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, और जिस तरीके से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, बीजेपी के पास मुद्दों की फेहरिस्त है और इन मुद्दों के बूते बीजेपी की कोशिश होगी कि मौजूदा कांग्रेस सरकार को सदन में कटघरे में खड़े किया जा सके। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।